प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे सेकंड चैप्टर के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय माय कंप्यूटर या फिर दिस पीसी आइकन? ठीक है, माय कंप्यूटर का जो आइकन है विंडोज 7 तक माय कंप्यूटर ही डिस्प्ले होता है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर। और विंडो 10 में यही ऑप्शन जो है वो दिस पीसी से आती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि है क्या माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन प्रोवाइड क्विक एंड इजी वे टू एक्सेस एवरी थिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन जो है ना, ये आइकन छोटा सा जो आइकन है विंडो 10 में, ये दिस पीसी इस तरह से नजर आता है। ये है यहाँ पे, ये देखो, ये दिस पीसी। ठीक है, छोटा सा आइकन है, ये छोटी सी एक ग्राफिकल पिक्चर है। ठीक है, माई कंप्यूटर आइकन प्रोवाइड क्विक एंड ईजी वे टू एक्सेस एवरी थिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो माई कंप्यूटर आइकन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है हमें क्विक, जल्दी, एंड ईजी और आसान वे, तरीका या रास्ता बोल लो। ठीक है, जल्दी और आसान तरीका टू एक्सेस एवरी थिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टू एक्सेस एवरी थिंग, सारी चीज़ों को एक्सेस करना मतलब चलाने के लिए जो भी कंप्यूटर के ऊपर उपलब्ध है, दैट इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो कुछ भी कंप्यूटर के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों को फटाफट एक्सेस करने का, फटाफट चलाने का हमें एक आसान तरीका, एक जल्दी और आसान वाला तरीका हमें उपलब्ध करवाता है। इट डिस्प्ले आइकन्स ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, इट डिस्प्ले आइकन्स ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव्स, ये कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसकी जितनी भी ड्राइव्स बनाई होती हैं, यानी कि जितना भी हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, उन सारी की सारी ड्राइव्स को ये डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले आइकन्स ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है ना, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये देखो डिस्क ड्राइव्स। इट डिस्प्ले आइकन्स ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव, ये आइकन्स ये हैं डिस्क ड्राइव के। ठीक है, जैसे अब हमने पढ़ा था ना हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आइकन्स में, ये डिस्क ड्राइव आइकन्स है। देखो सारी डिस्क ड्राइव्स हैं, इनके अंदर ही सारा का सारा हमारा डाटा है। ठीक है, यहाँ से हम फिर वापस हो गए, चाहे यहाँ से वापस हो लो पीछे, ठीक है, यहाँ से फिर वापस। ठीक है, ये ई ड्राइव है, एफ ड्राइव के अंदर देखो जो भी डाटा है, ये यहाँ पे फाइल फोल्डर जो कुछ भी है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर वापस हो गए जिस पीसी पे, ये सी ड्राइव है, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ें सेव नहीं करते हैं। यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो सेव होता है, और इसके अलावा हम जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो सारे यहाँ पे जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम यहाँ पे सेव नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी होती हैं डिस्क ड्राइव, जैसे ई है, एफ है, यह तो डीवीडी के लिए है, जो डीवीडी डाली थी कंप्यूटर में उसको रीड करने के लिए। ठीक है, तो इट डिस्प्ले आइकन्स ऑफ ऑल डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, यूटिलिटीज इंक्लूडिंग कंट्रोल पैनल, यूटिलिटीज मतलब कि कुछ एक उपयोगी चीजें भी होती है ना, उनको भी ये डिस्प्ले करता है। यूटिलिटीज इंक्लूडिंग कंट्रोल पैनल, यूटिलिटीज मतलब कि कुछ और भी चीज़ें जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको भी ये डिस्प्ले करता है, और कंट्रोल पैनल भी इसके अंदर ही शो कर देता है। ठीक है, अब देखो कैसे शो करता है ये सारी चीज़ों को। एक एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आप जानते हैं ना कि एंड्रॉयड फ़ोन की जो भी सेटिंग होती है ना सारी की सारी, ठीक है, वो उसके लिए सेटिंग वाला जो आइकन्स बना होता है वहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर जंप करना हो सेटिंग के ऊपर, वैसे तो सेटिंग यहाँ से आती है कंप्यूटर की सारी। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला जो आइकन बना होता है सेटिंग के लिए, ठीक है, लेकिन ये वाली सेटिंग जो है यहाँ पे कई तरीके हैं इसको डिस्प्ले करवाने के, बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाली चीज़ भी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो ये अपनी एक और अलग से ही सेटिंग को शो करता है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजर हमें दिखाता है कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर यानी कि कंप्यूटर के अंदर हमारे कौन कौन सी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से दिखाता है, ये यहाँ पे आके। ठीक है, मैं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में गया, वहाँ पे आके ये सारी चीज़ें ये देखो,
ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बैटरी लगी हुई है क्योंकि ये लैपटॉप है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, कैमरा भी लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, इनकी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है इसके अंदर, ये उसका नाम है, डिस्क ड्राइव से डिस्क अडेप्टर लगा हुआ है, डीवीडी भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये कंप्यूटर के अंदर देखो माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, ये जो कुछ भी इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारी की सारी सेटिंग हमें यहाँ से दिखा रहा है। डिवाइस मैनेजर भी इसके अंदर यहाँ से, इसकी पूरी की पूरी कंट्रोल यहाँ से है, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में कंप्यूटर का नाम, ठीक है, क्या नाम है इसका, वो तो वैसे प्रॉपर्टीज में आया, हमें यहाँ पे बाहरी पता चल जाता है कि विंडोज 10 डली हुई है इसके अंदर, और प्रोसेसर जो है इसका इंटेल का है, i3 है, ठीक है, 500 FU, CPU जो है 2.00 GHz का है, 4 GB इसकी जो इंस्टॉल्ड रैम है, ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पेन और टच पैड भी लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का ये नाम है यहाँ पे, ठीक है, विंडो की जो प्रोडक्ट की है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिमोट सेटिंग है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखनी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन्स, रिसाइकल बिन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। रिसाइकल बिन इज सिमिलर टू ए डस्टबिन दैट कंटेन्स ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या है, एक इज सिमिलर टू ए डस्टबिन, सेम एक जैसे डस्टबिन होता है ना कूड़ा करकट डालने के लिए, रिसाइकल बिन भी सेम उसकी तरह ही है। दैट कंटेन्स ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर, जो कंटेन करता है यानी कि जिस जो अपने अंदर समाविष्ट करता है ना, शुद्धिनी में बोल देते हैं कंटेन को समाविष्ट करना, ठीक है, अपने अंदर रखता है, मतलब कंटेन ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर बैक टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी, ये हमें एक सुविधा ये भी उपलब्ध करवाता है कि टू रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स, कि हम जो फाइल्स डिलीट कर चुके होते हैं उनको ये दोबारा रिस्टोर भी, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर हमने डिलीट किए होते हैं उनको दोबारा रिस्टोर कर सकता है ये बैक टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस, ठीक है, दोबारा जिस लोकेशन पे, ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ से हमने डिलीट की होती है उनको हम दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट दिस फाइल्स एंड फोल्डर परमानेंट देन राइट क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन एंड क्लिक एम्प्टी रिसाइकल बिन, ठीक है। यदि हम, इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट दिस फाइल एंड फोल्डर्स परमानेंट, अगर हम इन फाइल और फोल्डर्स को परमानेंट मतलब हमेशा के लिए ही डिलीट कर देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देन राइट क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन, तो हम रिसाइकल बिन के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक एम्प्टी रिसाइकल बिन, और उसके बाद उसके ऊपर जो कमांड सेलेक्ट करेंगे वो है एम्प्टी रिसाइकल बिन, ठीक है, और पूरा का पूरा जो हमारा जो डस्टबिन है, हमारा जो रिसाइकल बिन है कंप्यूटर का, वो खाली हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्यूटर में हम जो भी फाइल और फोल्डर्स डिलीट करते हैं ना वो इसके अंदर चले जाते हैं, इस बकेट के अंदर, इस रिसाइकल बिन के अंदर, ठीक है, इस डस्टबिन के अंदर। विंडो 7 में ये हमें यहाँ पे ये देखो ये है रिसाइकल बिन, ठीक है, रिसाइकल बिन। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ें डिलीट करता हूँ और वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे, ठीक है, तो मैं दिस पीसी के अंदर ही जाकर के हमारी फाइल और फोल्डर्स के अंदर भी हैं यहाँ से मैं, या फिर कुछ एक चीज़ जैसे मान लो ये है बेसिक क्वेश्चंस, ये दो फाइल्स मैंने कॉपी कर ली, यहाँ से मैं इन फाइल्स को राइट क्लिक करके कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। अब मिनिमाइज़ कर रहा हूँ मैं इसको और यहाँ पे आके मैं इनको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये हो गई यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। अब इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब देखो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, पहले तो चेक कर लेते हैं रिसाइकल बिन के अंदर है कुछ की नहीं है, ये देखो इसके अंदर पहले से भी देखो बहुत सारी चीज़ें डिलीट की हुई हैं। मैं इसको कर देता हूँ खाली, बिल्कुल खाली, ताकि आपको समझ लग जाएगी बाकी में यहाँ पे आ रही हैं चीज़ें। एम्प्टी रिसाइकल बिन राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और एम्प्टी रिसाइकल बिन, यस, पहले तो मैंने इसको कर दिया खाली। अब बिल्कुल जो है ये डस्टबिन जो है हमारे पास ये हो गया बिल्कुल खाली, ये देखो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो मैं यहाँ पे इन फाइल्स को कर देता हूँ राइट क्लिक डिलीट। अब देखो इसको चेक करते हैं कहाँ पे, ये देखो ये आगे रिसाइकल बिन के अंदर जो डिलीट की हमने फाइल्स वो यहाँ पे पहुँच गई। चाहे फाइल्स डिलीट करो कहीं से भी,
कंप्यूटर में कहीं से भी डिलीट कर दो। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे मान लो एक फोल्डर ये है इस फोल्डर को, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के आंसर में फाइल्स एंड फोल्डर, तो मैं फोल्डर भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस फोल्डर को देखते हैं कहाँ पे गया, ये हमें मिलेगा रिसाइकल बिन के अंदर, ये देखो टिंकू। अब बोल रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो रीस्टोर ऑल दीज फाइल्स एंड फोल्डर्स टू द ओरिजिनल लोकेशन, तो क्या करेंगे हम सिंपल इनको, जैसे ये है इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके करूँगा रीस्टोर, यहाँ से ये गायब हो जाएगा और वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां से हमने इसको डिलीट किया होगा। ठीक है, तो मैंने ई ड्राइव में से इसको डिलीट किया था, तो ये देखो वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोबारा डिलीट करूँगा तो ये दोबारा रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखो रिसाइकल बिन के अंदर। अगर मान लो हमें इसकी ज़रूरत है, गलती से हमारे से ये डिलीट हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे ये फाइल और फोल्डर्स हमसे गलती से डिलीट हो गए हैं, तो हम क्या कर देंगे इसको रीस्टोर, दोबारा से ये फाइल जो है दोबारा वहाँ पे पहुँच जाएगी। ये देखो ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल भी चाहिए, राइट क्लिक किया रीस्टोर, ये देखो ये भी आ गई यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ से हमने डिलीट की होगी वापस वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे। तो ये थे दिस पीसी या माई कंप्यूटर या फिर रिसाइकल बिन, हमारे दो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।